एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का क्रू मोटर फेस्ट के एक और नए मजेदार एपिसोड में। आज हम हमारी सीरीज की पहली सुपर कार परचेस करने वाले हैं, जो कि है एस्टन मार्टिन। लास्ट एपिसोड में हमारे पास में पैसों की थोड़ी सी कमी हो रही थी, इसलिए ऑफलाइन मैंने बहुत सारी रेसेस खेल के अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं जाकर हमारी पहली सुपर कार परचेस करते हैं। वैसे यहाँ से परचेस नहीं करना, सीधा चलते हैं शॉप में। अभी पहले मैं तुम्हें अपने पैसे बता देता हूँ, जो कि है 461,499। ठीक है, कहा गई मेरी एस्टन मार्टिन, सारा का सारा पैसा मैंने कैश लेकर आया हूँ। क्या मैं सुपरा को परचेस कर सकता हूँ? नहीं, सुपरा के लिए $6,53,000 का नीड होगा, अपने पास में सिर्फ 4.5 लाख है। तो फिलहाल में हम एस्टन मार्टिन से खुश हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। कहा गई मेरी प्यारी एस्टन मार्टिन वोल्केन, जो कि आ रही है मात्र 4,13,000 रुपए की। और इसमें अलग अलग कलर्स है यार, बट ब्लैक जो कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा मौत लग रहा है। तो लेट्स गो, इससे बाइक कर लेते हैं। अभी कस्टमाइज नहीं करने वाला, क्योंकि पता नहीं मेरे को कस्टमाइज़ करने के लिए कितना पैसा लगेगा। बट यस, कस्टमाइज़ भी करेंगे, सीधा पहले मैं इसको ड्राइव करूँगा। अब भाई 2 मिनट तक चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा हम भाई से। वैसे मैंने ना कल ऑफलाइन जितनी भी रेस खेला ना, मैंने सारी की सारी मैनुअल खेला हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं, पूरा मैनुअली गियर शिफ्ट करके रेस खेला हुआ। और अब से मैं सारी की सारी रेसेस ना मैनुअली गियर शिफ्ट करके ही करूँगा। तो इसको पहले न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, एक शांति वाली जगह पर चलते हैं। मेरे को इसका साउंड टेस्टिंग करनी है। तुम लोग मुंह बंद कर लो ना, कितना चिल्ला रहे, रुक जाओ। एक काम करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं और कहीं और चलते हैं, ठीक है। इधर ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे लोग। अरे हट जा बेटे। अरे यार, ये मेरे को कोई टास्क वास नहीं करने। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मैनुअल गियर शिफ्टिंग में ना, रेस में मतलब परफॉर्मेंस जो है अपना, वो इतना खतरनाक बढ़ जा रहा था भाई। मैनुअली जो हम गियर डाल रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं गलती से टनल के अंदर आ गया हूँ। अरे नहीं करना मेरे को टास्क, जाए यहाँ से। मैं पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी कार में, क्योंकि क्रू के जितने भी गेम्स होते हैं ना, सारी कार्स के अंदर ऑलमोस्ट पटाखे फूटते ही है। नहीं नहीं, पता नहीं क्यों पटाखा क्यों नहीं फूट रहा। चलो ठीक है, अंदर से चलते हैं। अंदर से चलाने का मजा ही कुछ और है यार भाई, कंट्रोल और सारी चीजें ना। अरे रे 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 रे, शेट, मेरे को लगा मैं निकाल लूंगा, अगर वो निकल जाता ना, इतना खतरनाक वाला शॉट बनाता ना मैं, वाइटी शॉट फुल फाड़ एकदम व्यूज। बट अफसोस, धीरे धीरे करके ना बहुत ज्यादा हाथ साफ हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल आ रहा है कार चलाने में। अरे नाइस, जाकर चेक करते कौन सी रेस अवेलेबल है। वैसे प्लेन वाली रेसेस भी अपने को अनलॉक हो गई है, ठीक है, अब प्लेन वाली रेस भी करनी है। बट मेरे को उसके अंदर पर्सनली इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो अगर तुम्हें देखना रहेगा तो मेरे को बता देना। बट ऐसे तो मैं सिर्फ प्लेन रेस के एपिसोड्स अपलोड नहीं करूँगा, बोट का भी प्लेलिस्ट अनलॉक हो गई है और प्लेन की भी प्लेलिस्ट अनलॉक हो गई है, ठीक है। मेरे को तो लग रहा है ना, हमने बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी और बहुत सही कार के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। क्या ही चल रही है ये, इसका कंट्रोल और सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब गोली है यार। ये प्लेन वाली रेस नहीं करना, ये प्लेन वाली रेस है, ऑफलाइन भी मैं यहाँ पर आया था। नो नो नो, आई डोंट वांट टू डू दिस रेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऑल राइट, तो फाइनली प्लेन वाली रेस कंप्लीट हुई। 15 से 20 मिनट लग गए उस रेस को कंप्लीट करने में। साथ ही साथ एक और न्यू प्लेलिस्ट अनलॉक हुई है, जो कि है पोर्श वाली, और उसमें से ये वाली रेस मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। पूरे मैप के अंदर अलग अलग डिफरेंट जगह पर रेसेस अनलॉक हुई है, कुछ रेस इस वाले आइलैंड पर है। बट मेरे को ना पोर्श के साथ में रेस नहीं करनी, मैं ऐसी वाली रेस ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं मेरी खुद की कार लेकर जा सकूँ। बट पूरा मैप घूम लिया, मेरे को एक भी जगह ऐसी नहीं मिली। तो एक काम करते हैं, पहले ना अपनी कार के कस्टमाइजेशन के अंदर जाते हैं। अभी हमारे पास में ना कार परचेस करने के बाद में 91,000 रुपीस बचे हैं। थोड़े से पैसे प्लेन वाली रेस से आए और थोड़े से पैसे वो पोर्शे वाली रेस से आए। अगर मेरे को अपनी एस्टन मार्टिन को कस्टमाइज करना है या फिर अपग्रेड करना है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब विजुअल पार्ट्स कौन से वाले पार्ट आएंगे इसके अंदर। अच्छा, अलग अलग रिम्स है, पूरे के पूरे 21 रिम्स है।
ये आएगी कितने की या फिर मैं डायरेक्ट कस्टमाइज कर सकता हूँ। चलो ठीक है, ये तो हो गया। वैनिटी क्या चीज़ है? ओके, अरे क्या ही मॉन्स्टर हो जाएगी अपनी कार इससे। कितने सारे अलग अलग डिफरेंट टायर्स है अपनी कार के अंदर। स्मोक वाले भी टायर है बट शायद से वो अभी अनलॉक नहीं हुए, धीरे धीरे करके अनलॉक हो गए। कितने सारे अलग अलग टायर्स है। चलो ठीक है, ड्रिफ्टिंग के लिए भी टायर है। ये क्या चीज है? इसके अंदर क्या मैं अपनी कार के ऊपर ग्राफिक्स करा सकता हूँ? चलो ठीक है, मेरे को वैसे कराना नहीं है ग्राफिक्स, मेरे को ये सिर्फ ब्लैक कलर ही काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है अपनी कार का। बट सच में काफी सारे अलग अलग ग्राफिक्स है, देखेंगे कभी जरूरत पड़ी तो कस्टमाइज करेंगे। ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बट ये तो हो गया अपना ऊपर से अपग्रेडेशन। अंदर से अपग्रेड करने के लिए अपने को क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा? अभी जो इंजन है वो 633 है, पावर इसकी 820 BHP, गियरबॉक्स वगैरह ये सारी चीजें। अच्छा, इसके अंदर मैं शायद से कस्टमाइज नहीं कर सकता हूँ। एग्जॉस्ट तो यार चेंज करने का ऑप्शन होता तो ज्यादा बढ़िया हो जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कलर भी हम चेंज कर ही सकते हैं इसके अंदर। प्रो सेटिंग्स के अंदर क्या है? अच्छा, इधर से अपन पूरी कार को मैन्युअली स्विच कर सकते हैं। वैसे अभी तक हमने एस्टन मार्टिन ले ली, इसकी टॉप स्पीड हमने लास्ट वाले एपिसोड में चेक की थी, 350 के करीब था, बट उतना परफेक्टली चेक नहीं हुआ था। तो एक काम करते, मैप के अंदर ना कोई सीधा रास्ता ढूंढता हूँ, कोई एयरपोर्ट वगैरह ऐसा जहाँ पर मैं टेस्ट ले सकूँ। हाँ, ये वाला एक रास्ता दिख रहा है मेरे को, ये वाले रास्ते पर चलते हैं हम फटाफट से, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेट रास्ता है। और कार को ना मैनुअली चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैनुअली ज़्यादा कार कंट्रोल हो रही है टर्न्स के ऊपर, क्योंकि ऑटोमेटिक के अंदर ना गियर स्विच करने तक और फिर बढ़ने तक ना ओपोनेंट्स हार्ड डिफिकल्टी पर आगे निकल जा रहे हैं। इसीलिए मैनुअली अगर खुद से गियर स्विच करके टर्न करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हम मतलब निकल जा रहे, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। वैसे ये वाला भी एक रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा रास्ता है, यहाँ पर भी ना हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो एक काम करते, रुको जाओ, यहाँ से तो पूरा पूरा हाईवे ही है, इधर से इस टेस्टिंग ना अपनी स्टार्ट कर देते हैं। हम इस वाले टर्न को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लेट्स गो। गियर शिफ्टिंग अगर बढ़िया रही तो स्पीड बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो 1 2 3 लेट्स गो। अभी तक मैंने बूस्ट नहीं दिया हूँ, ठीक है, ये विदाउट बूस्ट चल रही है अपनी कार। अब बूस्ट के साथ चेक करते हैं। एक और 6 गियर है सिर्फ अपनी कार के अंदर। सत्यानाश हो रे, सत्यानाश हो तेरा बॉट ड्राइवर। मेन जगह जब चेक करना था नीचे खुद आ दिया कार, बताओ। वापस से एक बार क्रॉस चेक करते भाई, मेरे को यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। चलो 1 2 3 लेट्स गो। सिक्स्थ गियर में एक बार पहुंच जाए ना, उसके बाद मैं बूस्ट दूंगा। यस, वेरी नाइस। टोटल देखना 357, 358, ये लास्ट टॉप स्पीड है इसकी। 360 समझ के चलो, 360 से ज़्यादा नहीं जाएगी, अपग्रेड करने के बाद पता नहीं, बट अभी फ़िलहाल में 360 से नहीं जाएगी। बस यही टेस्टिंग मेरे को कंफर्म करनी थी, हो गया। अब चलते रेस करने के लिए। रूल द स्ट्रीट्स, पता नहीं यहाँ पर कुछ रेस है ये या फिर इवेंट है, डोंट नो, या कोई नई प्लेलिस्ट होने वाली है। हाँ ठीक है, चल भाग यहाँ से। यस, प्लेलिस्ट एक्टिवेटेड, एक और न्यू प्लेलिस्ट अनलॉक हो गई है। प्लेलिस्ट मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स, जैसे ड्रिफ्टिंग हो गई, प्लेन रेस हो गई, बोट रेस हो गई, फिर कार रेस हो गई, तो ऐसे ही अलग अलग प्लेलिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट रेसेस है। चलो ठीक है, कोई और एक्टिविटी मिल गई है, जाकर चेक करते हैं वहां पर। ऑलराइट, देखते हैं कौन सी रेस होने वाली है। दिखने में तो काफी ज्यादा सही लग रही है, डिफिकल्टी को एक लेवल ऊपर रखा हूं मैंने एकदम बॉटता से, थोड़ी सी प्रोता तक हम जाने वाले हैं, तो डिफिकल्टी को थोड़ा सा हार्ड मैंने रखा हूं। मेरे को तुम्हारी बातों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, हट जाओ, मेरे को रेस करना। अरे भाई, मैं क्या इन दोनों में से फरारी या लैम्बोर्गिनी? लैम्बोर्गिनी चलाएंगे हम, पता नहीं ड्रैग रेस होने वाली है ये। हुरेकन चलाने वाले हैं हम, हुरेकन।
क्या ये ड्रैग रेस होने वाली है? क्या ये ड्रैग रेस होने वाली है? 1 2 अरे भाई पहले निकल लिया, अब दूसरे गियर में डाल के हार्ट धक्का मुक्की करके जा रहा है भाई। ये टर्न के ऊपर अब मैं नहीं हारने वाला। किसका ड्रोन घूम रहा है मेरे टकले के ऊपर? अरे गलत गियर शिफ्टिंग। रुक जाओ, ये टर्न क्लियर कर लूँ ना इसको, बताता हूँ मैं साले को। इतने की सर जल्दी जल्दी गियर स्विच करना पड़ रहा, ये अपने एस्टन मार्टिन से कम पावर वाली है, मेरे को ऐसा फील आ रहा भाई। सच्ची में बहुत ज़्यादा कम पावर है इसकी शायद से, इतनी जल्दी जल्दी गियर स्विच करना पड़ रहा है। एस्टन मार्टिन तो हमारी ऐसे गोली जैसे भाग रही भाई। हट, ये टर्न की मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, वो हट जा दिमाग नहीं खराब करने का। हट, यस वेरी नाइस। 5 गियर तो स्विच हो गए अभी तक। टकराना नहीं है। यस, स्टेयरिंग व्हील से चलाने का यही फायदा है, हम आराम से अपनी स्पीड को ना कंट्रोल कर सकते हैं जितनी अपने को कंट्रोल करनी है। वेरी नाइस, देखा मैं बस कहा और वैसे टाइप का टर्न आ गया। कहाँ पर है बेटा? अरे नजदीकी है। स्पीड कम नहीं। स्ट्रेट गलती बहुत भारी पड़ेगी, एक गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। देखो आ गया नजदीक, सरप्राइज दे रहा है। चल बेटे निकल बाजू से, पटाखे फोड़ रही है उसकी कार। यार ये कार मैंने लेना चाहिए था, पटाखे फोड़ते आते हैं एकदम यार। नहीं, बहुत ज्यादा टट्टी। वो बस नहीं यार, ये निकल जाएगा आगे। बहुत जल्दी गियर स्विच करना पड़ रहा है इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा जल्दी। दिमाग खराब कर रहे, एक तो डिफिकल्टी भी बढ़ी हुई है। घुस जा बेशरम। अब आ बेटे तू, अब आ, तेरे को बताता हूँ मैं। तू गया मेरे हाथ से, तेरी ऐसी की तैसी। कहाँ तक जाएगा? अरे 78% रेस कंप्लीट हो गई इतनी जल्दी। शेट, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। दौड़। नहीं यार ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ये बहुत गंदी चीज होगी। मेरे को लगा रेस बची हुई है यार। नहीं, हक दिया भाई। चल दिमाग खराब, इतनी जल्दी टक मारना पड़ रहा है इसके अंदर। कितना पैसा मिला बस वो बताओ? 7000 एक्सपीरियंस मिला है, डिफिकल्टी का 8% मिला है, 13000 रुपये मिले, 104000 रुपये हमारे पास में दोबारा से हो गए। क्या ये लैम्बोर्गिनी मेरे को फ्री में मिल गई? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। चलो ठीक है, देखते अब दूसरी वाली रेस में क्या उखाड़ते हैं। इस बार कौन सी कार देगा बता, कौन सी कार दोगे इस बार? क्या ये जो भी है डिफिकल्टी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों में से कौन सी कार सिलेक्ट करूं? दोनों ही कार काफी ज्यादा बढ़िया है, ये ब्लू कलर की अच्छी लग रही है। चलो ठीक है, शेल्बी ले लेते हैं, फोर्ड मस्टैंग शेल्बी। ऑलराइट, तो आ चुके हैं हम अपनी रेस ट्रैक पर। तेरी ऐसी की तैसी बेटे, जा 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 जितनी आगे जाना जा। ओ कैमरा हमारे पास रोबोट वाला, मतलब मीडिया वालों ने लेकर आए। नहीं इस बार गलती नहीं होगी, जो मैंने पिछली बार गलती किया हो ना, इस बार गलती नहीं होगी यार। मेरे को मेरी फेवरेट कार के साथ में करने दो ना रेस, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरी फेवरेट कार चलाने दो और मजा आएगा। अरे उसकी अपनी रेस हो रही है, मेरी अलग रेस हो रही है। चलो ठीक है, जो भी हो रही है। लैप रेस है क्या ये? लैप रेस होने वाली है। देखो कितना स्मूथ जा रहा है, मैं यहाँ से वहाँ ठोकर खाता जा रहा हूँ। स्टेयरिंग व्हील पर कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट चलता है। फील तो इसी के अंदर आता है भाई, फील तो पूरा इसी के अंदर आता है। अरे ना ना,
हगर हूँ मैं। पता नहीं कितनी बड़ी रेस होने वाली है ये। दो लैप की तो दिख रही है। नीट एंड क्लीन, यस, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बंदा अपने से आगे निकल गया यार, बहुत ज़्यादा। ये मेरे को ये डोनट वाली जो रेस लग रही है ना, ये पूरी 1v1 होने वाली है, इसीलिए अपने को कार सिलेक्शन का बता रहे हैं बार बार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है। अरे अभी तक एक लैप कंप्लीट नहीं हुई। मेरे को इधर दौड़ाना नहीं है, मेरे को लिमिटेड स्पीड के अंदर चलाना है, बट टर्न्स के ऊपर ना मेरे को मैनेज करना है। और मैं यहाँ पर उल्टा कर रहा हूँ, मैं दौड़ आ रहा हूँ यहाँ कुत्ते जैसा, फुल भगा रहा हूँ बस। क्या एक लैप कंप्लीट हो गई है? आई गेस हो चुकी। नहीं, चलो मैंने इतना कवर तो कर लिया भाई, इतना कवर तो कर लिया हूँ, इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक तो आ गया हूँ मैं। दो लैप कंप्लीट हो चुकी है, बस कुछ कुछ टर्न्स यहाँ पर ना ऐसे जहाँ पर स्पीड की पूरी भाई। चलो ठीक है, कर लिया हमने तो डिस्टेंस तो बहुत अच्छा कवर किया हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, अब फोकस बात रहे, ठीक है? है मेरे पास में बूस्ट। भग्गू साले, मेरे को लग रहा है मैं हार जाऊंगा यार ये वाली रेस। मैं हार जाऊंगा भाई, हार जाऊंगा। दौड़ा, अरे नाइस टर्न यार, नाइस टर्न। वेरी नाइस टर्न। चलता रहे, कम करने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस। चलो ठीक है, आ गया बहुत नज़दीक तक आ गए। प्लीज बूस्ट जैसे मिल रहा है मारते जाओ, नज़दीक आते जाओ यार। हार गया क्या मैं? दौड़ता रहना। खत्म हो गई क्या? नहीं भाई, प्लीज यार, कितने नज़दीक हूँ मैं उसके, कितने नज़दीक था। आज का दिन ना ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि हमने हमारी पहली सुपर कार परचेस कर ली है। इसमें तो भाई, इसमें ना ऑफलाइन मेरे को थोड़ा सा खेल कूद करना, अच्छे खासे पैसे जोड़ने हो गए अपने पास में। दोबारा से आई गेस 1,00,000 रुपए हो गए। मेरी एस्टन मार्टिन की इतनी वाट कैसे लग गई है? इतनी वाट कैसे, क्या लग गई तेरी भाई? पूरी की पूरी खरोच आ गई उसके ऊपर, कोई बात नहीं। तो यस, ये था आज का छोटा सा प्यारा सा एपिसोड। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, नए आए हो चैनल पे, इंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज लाता रहता हूँ। अगले एपिसोड में हम कौन सी वाली सुपर कार परचेस करें मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और नए आए हो चैनल पे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।